मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। द ह्यूमन वॉइस, इट मीन्स द मशीन विच एडिसन वॉज इन्वेंटेड, इट प्रोड्यूस ह्यूमन वॉइस। यानी जो जिस मशीन पर वो वर्क कर रहे थे थॉमस एडिसन, वो क्या करती थी, ह्यूमन वॉइस प्रोड्यूस करती थी, यानी इंसानी आवाज़ निकालती थी। द नेक्स्ट ईयर द ही एक्चुअली मेड वन, और आगे की जो नेक्स्ट ईयर थी उसमें वाकई में वैसी मशीन बन के रेडी हो गई थी। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, यानी उसके बाद उस मशीन का क्या नाम हो गया था, टॉकिंग मशीन, यानी बात करने वाली मशीन। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, आजकल हम उस मशीन को क्या बोलते हैं जो एडिसन ने बनाई थी, ग्रामोफोन, क्या बोला जाता है उसको, ग्रामोफोन। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वॉशिंगटन, उसी साल उनको थॉमस अल्वा एडिसन को कहाँ बुलाया गया था, व्हाइट हाउस में, वॉशिंगटन में, जो व्हाइट हाउस है, जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट का होता है वहाँ पर व्हाइट हाउस है, वहाँ पर उसे इन्वाइट किया गया था। किसके लिए, दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स। कौन सा हाउस था वो, व्हाइट हाउस, जहाँ पर प्रेसिडेंट रहता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट रहता है। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन क्यों गया वहाँ पर, अपनी जो नई मशीन उसने बनाई थी उसे प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए। क्या मशीन बनाई थी, ग्रामोफोन बनाया था। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इस मशीन ने एडिसन को पूरी अमेरिका में फेमस कर दिया कि उसने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि बात कर सकती है, यानी ग्रामोफोन बनाया है। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, अब वो उसका पूरी अमेरिका में नाम था, तो अब वो सक्सेसफुल इंसान था और पैसे वाला भी बन गया, प्रॉस्परस भी बन गया। ही ओड ऑल हिज टू हिज मदर्स हेल्प एंड एनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, अब उसने सारे अपने जितने कर्जे थे, जिस किसी से पैसे ले रखे थे, सारे वापस कर दिए और अपनी मदर की भी हेल्प करने लगा बाकी का, और आगे हार्ड वर्क उसने कंटिन्यू रखा। ये नहीं ग्रामोफोन बना दिया और हो गया काम, यानी एडिसन ने अपनी जो इन्वेंशंस थी वो आगे कंटिन्यू रखी थी। नेक्स्ट, इन मार्च 1878 इज द नेक्स्ट पैसेज, इन मार्च 1878 ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, अब उसने क्या किया 1878 में, क्या किया उसने, किस पर वर्क करना, इलेक्ट्रिक लैम्प पर वर्क करना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक लैम्प पर जो है वर्क करना, यानी उससे रिलेटेड उसने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया, किसने, एडिसन ने। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प इन दोज डेज, जब इंसान जो है लाइट के लिए क्या यूज़ करते थे, जब लाइट नहीं थी तो कैंडल्स यूज़ करते थे और ऑयल लैम्प जो दिए जलाते थे, तेल के जो दिए जलते थे वो यूज़ करते थे रोशनी के लिए। एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट, और एडिसन ने उस टाइम पर लोगों से क्या प्रॉमिस किया, इलेक्ट्रिक लाइट प्रोवाइड करने के लिए, कि मैं आपको 2 साल में इलेक्ट्रिक लाइट प्रोवाइड कर दूंगा, 2 साल के अंदर मैं तुम्हें क्या दूंगा, इलेक्ट्रिक लाइट, 2 ईयर। व्हेन ही सेड दिस ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, जब उसने ये प्रॉमिस किया वहाँ लोगों से, अमेरिका के लोगों से, तो सारे साइंटिस्ट उस पर हंसते थे कि ये उनसे क्या प्रॉमिस कर रहा है, 2 साल में ये इलेक्ट्रिक लाइट इन्हें कैसे दे सकता है। बट दे सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, साइंटिस्ट ने क्या कहा उससे, कि ये तो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन को कोई टेंशन नहीं थी इसके बारे में कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, उससे उन्हें कोई टेंशन नहीं हो रही थी। ही वर्क हार्डर एंड हार्डर, वो अपना एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हार्ड वर्क करता रहा। ही परफॉर्म्ड अ 1000 एक्सपेरिमेंट, कितने हजारों एक्सपेरिमेंट कर लिए उसने, बट ऑल देम फेल, लेकिन सारे फेल हो गए, उनमें से एक भी एक्सपेरिमेंट उसका सक्सेस नहीं हुआ। कितने उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, 1000s। ये इसी में से आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, यानी अलग से तो आते नहीं है, चैप्टर के मिड से ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो आप मेन, यानी कुछ कुछ जो मेन लाइंस होती हैं उसे अंडरलाइन करके रखिए, या फिर क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता होने चाहिए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने अपनी होप नहीं छोड़ी,
यानी ये नहीं है फेल हो गए एक्सपेरिमेंट करने में, थाउजेंड्स एक्सपेरिमेंट कर दिए लेकिन बट ही डिड नॉट गिव अप होप, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी. ही आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपल, क्या कहता था, मैं अपना वादा लोगों से पूरा करूँगा. ही सेड टू हिमसेल्फ एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और अपने आप से कहता था जो मैंने प्रोमिस किया है मैं उसे पूरा करूँगा और हार्ड वर्क करता रहा. ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, टाइम के अपोजिट रेस लगा रहा था क्योंकि उसने लोगों से दो साल के अंदर उन्हें इलेक्ट्रिक लाइट देने के लिए प्रॉमिस किया था. इट एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, लगभग कितने एक्सपेरिमेंट के बाद उसने इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया, 2200, लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको सक्सेस मिली और इलेक्ट्रिक बल्ब बना दिया. ऑन न्यू ईयर्स डे 1880, न्यू ईयर के टाइम पर 1880, ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स एट हिज लेबोरेटरी, और वो और उसके जो हेल्पर थे उसके साथ वर्क करने वाले थे वो इलेक्ट्रिक बल्ब को लेबोरेटरी में लेके आए. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड लाइट, पूरी अमेरिका से लोग उस लाइट को देखने के लिए वहाँ पर गैदर हुए थे, इकट्ठा हुए थे कि एडिसन ने लाइट वो हमें अब दिखाएगा अपना जो इन्वेंशन उसने की है, तो पूरी अमेरिका से लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे. एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, एडिसन ने अपनी प्रॉमिस पूरी की टू द पीपल ऑन 4th September 1882. अभी ये लर्न रखना है कि एडिसन ने कब प्रॉमिस पूरी की, 4th September 1882, फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑन इलेक्ट्रिक लाइट, पहली बार न्यूयॉर्क में लाइट जलाई थी उसने, कब जलाई थी, 4th September 1882. तो ये जो डेट हैं इसमें ये आपको लर्न करनी है, नीचे शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे. एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पर एडिसन ने अपनी कंट्री की सर्व की सेवा करी. ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस एंड वॉज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, उसने अपने वार टाइम पर अपनी इन्वेंशन से वॉरियर्स की जो सोल्जर्स की हेल्प की और उसे बहुत सारे अवार्ड भी मिले, उसको प्राइज भी मिले इसलिए. इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब बने हुए कितने ईयर हो गए थे, 25 ईयर्स, सिल्वर जुबली वॉज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रांड मैनर, वहाँ पर उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था सिल्वर जुबली को. द प्रेसिडेंट ऑन द यूनाइटेड स्टेट रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन, और जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे एडिसन को वहाँ ऑनर देना चाहते थे और अपने फंक्शन बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था उन्होंने. एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल, वहाँ पर वो गए और उसको थैंक बोला प्रेसिडेंट को जो उसको ऑनर दिया था, लेकिन अचानक से बीमार पड़ गए. हिज इलनेस बिकेम वर्स एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग, और उसकी तबीयत और ज़्यादा ही ख़राब होती गई और वो कब उनकी डेथ हो गई, संडे मॉर्निंग 18th October 1931. तो ये उसकी डेथ डेट है जब एडिसन की डेथ हुई थी. दस एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ अ मैन हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, ऐसे इंसान की, एक महान इंसान की डेथ हो गई या लाइफ का एंड हो गया जिसने एक ह्यूमन इंसान की ज़िंदगी को हैप्पीनेस से और किससे, लाइट से भर दिया था. ही सैड वंस, उसने कभी ये कहा था क्या, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, मैं कभी भी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं बनाऊंगा जिससे ज़िंदगी ख़त्म होती हो, जैसे बॉम्ब वगैरह या फिर ऐसी मिसाइल्स नहीं बनाऊंगा. वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं ऐसी चीज़ें बनाऊंगा जिससे इंसान खुश रहे. ही ऑल्सो सैड, उसने ये भी कहा था क्या, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन मोर लाइट, और संसार में और ज़्यादा, दुनिया में और लाइट ज़्यादा लाऊंगा. ही केप्ट हिज वर्ड, और उसने अपने वर्ड्स को पूरा भी किया क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट कर दिया था. हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अप मोर लाफ्टर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प गेव अस मोर लाइट, ग्रामोफोन जो मोबाइल्स और फोन बन गए उनसे जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हो गए एक दूसरे से बात में, और इलेक्ट्रिक लैम्प से, इलेक्ट्रिक बल्ब बना लैम्प से ही और लाइट दुनिया में रोशनी आई. टुडे आर कंट्री
एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन. आज भी हमारे कंट्री को, देश को कैसे इंसानों की ज़रूरत है, एडिसन जैसे ही इंसानों की ज़रूरत है. एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल. हर बच्चे को, गर्ल हो या बॉय, उसके एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहिए और अपने कंट्री के लिए कुछ ऐसे ही करना चाहिए. ओके, नाउ दिस चैप्टर इज कम्प्लीट. तो आई विल गिव यू वर्क इन PDF नेक्स्ट टाइम.